इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2019 में जो भी कार लॉन्च हुई उनमें से कौन सी कार हिट रही और कौन सी कार इंडियन बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ हुआ है, बट स्टिल लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग घर में ही रहिए, क्योंकि जैसे यूएस है, यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी वजह से वो लॉकडाउन नहीं कर पा रहे, बट इंडिया ने इंडियंस को आगे रख के इकोनॉमी का ना सोच के लॉकडाउन किया है। तो प्लीज़ इसका पालन करिए, घर पे रहिए। वैसे बाहर जाके बहुत मार रहे हैं तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं 2019 की सबसे हिट रही कार किया सेल्टॉस से। इंडस्ट्री के डाउनफॉल में एक नए ब्रांड को लॉन्च करना काफ़ी रिस्की है, पर फिर भी किया के पास एक ऐसा फॉर्मूला था जिससे किया ने इंडियन बायर्स का दिल जीत लिया और बहुत ही सक्सेसफुल रही। इंडिया में किया सेल्टॉस जून के महीने में अनवील करी गई थी एंड अगस्त तक लॉन्च हो गई थी। एंड अगस्त तक सेल्टॉस की 32,000 तक बुकिंग हो चुकी थी एंड अब तक किया सेल्टॉस ने 87,000 बुकिंग रिसीव करी है। सेल्टॉस में 3 BS6 कंप्लायंट इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.5 डीजल, 1.5 पेट्रोल एंड लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी आता है। एंड प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 9.89 टू 17.34 एक्स शोरूम दिल्ली। मई 2019 में ह्यूंडई ने लॉन्च करी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ह्यूंडई वेन्यू। 2019 में वेन्यू बेस्ट सेलिंग एसयूवी रही एंड 5 महीने में ही 48,000 वेन्यू सोल्ड हो गई एंड अभी तक 80,000 बुकिंग हो गई है वेन्यू की। प्राइस स्टार्ट होते हैं वेन्यू के 6.7 लाख टू 11.39 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। वेन्यू में 3 BS6 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 118 BHP 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। वेन्यू में बहुत से कनेक्टेड फीचर आते हैं, ब्लू लिंक जैसी टेक्नोलॉजी आती है जिसने इंडियन बायर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया एंड इसका रिफ्रेश लुक एंड काफ़ी स्टाइलिश लुक भी इंडियन बायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया। और अगर आपको ह्यूंडई वेन्यू का रिव्यू देखना है तो आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए एंड उस पर मेरा एक रिव्यू है ह्यूंडई वेन्यू का एंड वो देखिए। नेक्स्ट ब्रांड है MG। MG भी एक अननोन ब्रांड है जो 2019 में इंडिया में लॉन्च हुआ और लॉन्च के बाद काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अभी तक। MG हेक्टर इंडिया में 27 जून में लॉन्च हुई और पहले ही महीने में 1500 MG हेक्टर सोल्ड हो गई थी। उसके बाद हेक्टर का सेल्स फिगर इंक्रीज ही हुआ है। हेक्टर का मेन हाईलाइट था कनेक्टेड कार फीचर जिसने इंडियन बायर को काफ़ी अट्रैक्ट किया। इसमें 10.75 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है एंड इंडिया में MG हेक्टर 3 BS6 कंप्लायंट इंजन ऑप्शन के साथ आती है, बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर प्राइस की बात करें तो 12.73 लाख से 17.43 लाख एक्स शोरूम दिल्ली के प्राइस में आती है ये। एंड अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए एंड मेरा रिव्यू देखिए MG हेक्टर के लिए। सो नेक्स्ट कार भी ह्यूंडई की तरफ से है। ह्यूंडई ने लॉन्च करी अपनी सक्सेसफुल कार का बेसिकली प्रीमियम मॉडल जिसका नाम है ग्रैंड आइटन नियोस। डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है नियोस का एंड इंटीरियर की बात करी जाए तो बेस्ट इन सेगमेंट है। नियोस इंडिया में लॉन्च करी गई 20 अगस्त को और पहले ही मंथ में 4,000 नियोस सेल हो गई। उसके बाद नियोस के सेल्स फिगर बड़ा ही है। नियोस के दोनों ही इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आता है एंड प्राइस स्टार्ट होते हैं 5 लाख टू 7.99 लाख से। सो नेक्स्ट ब्रांड है मारुति सुजुकी। अगर मारुति सुजुकी की बात करी जाए तो उसकी सारी स्मॉल कार इंस्टेंट हिट रहती है। वैसा ही रहा मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के साथ, ये लॉन्च के बाद काफ़ी ही सक्सेसफुल रही है। पर अगर इसकी डिज़ाइन और टॉल बॉडी डिज़ाइन के बारे में बात करी जाए तो इस लोग इसके बारे में काफ़ी स्प्लिट ओपिनियन रखते हैं एंड इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है AMT के साथ, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और अगर इसके इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है इसका एंड इससे अपर जो सेगमेंट आता है बेसिकली वैसा इंटीरियर हमें देखने को मिलता है एस्प्रेसो में। और अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो प्राइस स्टार्ट होता है 3.69 लाख से
4.19 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। तो अब उन कार्स की बात कर लेते हैं जो 2019 में इंडियन बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। सो पहली कार है महिंद्रा XUV 300, जो कि आंसर था विटारा ब्रेजा और फोर्ड एक्सपोर्ट के लिए। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर के साथ XUV 300 इंडिया में आया, बट कुछ मंथ्स बाद उसकी सेल्स फिगर डाउन होने लगी। जिस सेगमेंट में XUV 300 आती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हालांकि XUV 300 काफ़ी पावरफुल इंजन और लॉन्ग फीचर लिस्ट के साथ आती है, और जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है। जो इसकी LED लाइट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक लगती है, पर इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सेगमेंट के हिसाब से। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 8.30 लाख से 12.69 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और इस सेगमेंट में एक एक रुपये काउंट होते हैं, इसलिए ये XUV 300 अच्छा नहीं कर पाई कुछ महीने बाद। 2019 में टाटा ने लॉन्च करी अपनी मच अवेटेड SUV टाटा हैरियर। टाटा हैरियर ने बहुत ही वार्म वेलकम रिसीव किया इंडियन बायर्स से, और इस कार ने इंडियंस के दिलों में बहुत ही जल्दी जगह बना ली, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश था। हैरियर में बहुत ही पावरफुल इंजन, मॉडर्न इंटीरियर एंड लेंथी फीचर लिस्ट है, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इसकी सेल्स फिगर डाउन होने लग गई, क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन बढ़ गया था न्यू कमर्स के आने की वजह से। एंड ये मिस करती है थर्ड रो एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, बट आफ्टर अपडेट इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ गया है, बट स्टिल इसका सेल्स फिगर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। टाटा हैरियर जैसी कार के साथ ऐसा होना काफ़ी डिसहार्टनिंग है मेरे लिए। नेक्स्ट कार है जीप कंपस ट्रेल हॉक, जो कि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इसका लॉन्च होने का, क्योंकि इसमें डीजल और ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन है। बट जब इसका प्राइस अनवील करा गया तो ये 3.69 लाख एक्स्ट्रा थी नॉर्मल जीप कंपस से। सो लोगों ने ज़्यादा इसे भाव नहीं दिया, क्योंकि इसका जो प्राइस था वो 26.80 लाख हो चुका था एक्स शोरूम दिल्ली। बट इसमें कुछ एडवांटेजेस भी थे, इसमें BS6 कंप्लाइंट इंजन था, इसमें मोर ऑफ ओरिएंटेड थे, इसमें अलग कलर स्कीम थे, बट स्टिल लोगों ने नहीं लिया, लोग खुश थे स्टैंडर्ड कंपस से। सो 2019 में Hyundai ने अनवील करी अपनी रिसेंटली अपडेटेड Hyundai Elantra, जो कि काफ़ी एजियल लुक के साथ आती है। इसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर आता है, BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, बट स्टिल ये सेल्स फिगर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि इसका कंपटीशन होंडा सिविक एंड स्कोडा ऑक्टाविया के साथ था, जो कि लुक्स में मोर प्रीमियम एंड वेरी फन टू ड्राइव थी। एंड इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस टैग था 15.89 लाख से 20.39 लाख, बट स्टिल Hyundai Elantra को हेल्प नहीं कर पाया सेल्स फिगर में इम्प्रूवमेंट का। सो 2019 में टोटल 9 कार लॉन्च हुई, जिसमें से 5 ने काफ़ी अच्छा किया एंड 4 जो थी उस लेवल का नहीं कर पाई जिस लेवल का उन्हें करना चाहिए था या कंपनी ने सोचा होगा। तो आपको कौन सा लगता है कौन सी कार अच्छा कर सकती थी बट नहीं किया? मुझे पर्सनली फील होता है टाटा हैरियर को हिट होना चाहिए था, बट स्टिल हिट नहीं हुई। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।